हम भीतर की सैर पर उतरी, हम अंतस का अंतर्मुखता का शुद्धि का दिया जलाई, अर्थात जागरण होश सुरति समृद्धि सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे भीतर की दिशा संभाले, जीवन यात्रा पर उतरी, जीवन की खोज जीवन की तलाश एक महान धर्म है हम सबका। बाहर की पलके मुदा और भीतर की राह शुरू हुई, भीतर की दिशा जगमगाने लगी। होश पूर्वक रहना, वही देखना जो हो रहा है, देखने की कोशिश मत करना, कोशिश नहीं की जाती, अपनी ओर जागने की, अपनी ओर देखने की कोशिश नहीं की जाती। तुम देख ही रहे हो स्वाभाविक रूप में, आपका देखना उसी समय उद्घाटित हो जाता है जब अपनी प्यास अपनी प्रायोरिटी को भीतर की ओर उड़ेलते हो, अपने अंधेरों को विदा करने हेतु तुम थोड़ी प्यास थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान करते हो, अपने पे दया करते हो, अपने पे उपकार। सबसे बड़ा परोपकार है अपने पे उपकार करना, अपने अंधेरों को विदा करने हेतु तत्पर रहना, तैयार रहना। देखने मात्र से विदा होते हैं, तेरे जागने मात्र से विसर्जित होते हैं। करना कुछ नहीं, नॉन डूइंग की स्टेट में रहते रहते माइंड की डूइंग्स को देखते रहना है। लगातार जागे जागे सीधे स्वस्थ सरल साधारण होकर की स्ट्रेट अपनी ओर देखते रहना। जागे जागे रहना, बार बार मन हिप्नोटाइज करता है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, बार बार हम मन के हाथ लग जाती है, हम विचारों में खो जाते हैं, अंधेरों में खो जाते हैं। ये घेरा विचारों विकारों का आपके समक्ष, ये चक्रव्यूह, ये घेरा विचारों विकारों का अंधेरे ही अंधेरे चाहूं और फैलाता चला जाता है। बहुत गहन अंधेरा है गगन गुफा में, आप स्वयं देख लेना, क्योंकि कभी हमने अपनी भीतर की आंख का इस्तेमाल किया ही नहीं, मालूम ही नहीं अपने जीवन के विज्ञान का। बड़े लर्नड फिलोसोफर राइटर लॉजिशियन बने फिरते हैं हम, किंतु
अपने ही भीतर का पता नहीं, अपना ही पता नहीं, इससे बड़ा अज्ञानता का, अविद्या का और अंधेरा क्या हो सकता है, और ब्लाइंडनेस क्या हो सकती है, ब्लाइंड वेदन भी यार, कितना इनजस्टिस है अपने जीवन के साथ। कभी सोचा, कभी विचारा? आप अपनी आंख से देख लेना, हम तुम्हें तुम्ही को दिखाने आए हैं, हम तुमको तुम्ही से तुमको दिखाने आए हैं। स्वयं अपनी आंख से देख लेना, तुम खुद देख लेना, कहां है आप भीतर? अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों ओर विचार ही विचार, थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, चारों ओर माइंड ही माइंड, अंधेरा ही अंधेरा, पिटीफुल स्टेट, वी बिकम ब्लाइंड इनसाइड। बाहर बहुत सजा के हैं, भीतर पूरी तरह हम सोए हैं। कैसे बैलेंस उतरेगा, कैसे ब्लिस उतरेगा, कैसे हम भाग भाग हो सकेंगे? जागे रहना, अपनी स्थिति, अपने हालात स्वयं देखना, घबराना नहीं। माइंड तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकेगा। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन, डज नॉट लाइक योर एंट्रेंस, डज नॉट लाइक योर अवेयरनेस। माइंड ऑलवेज रिएक्ट्स, बट यू कैन face it very easily if you have thirst, hunger for self improvement, for self realization. You will face it. दिन प्रतिदिन ये स्टेट ऑफ अवेयरनेस एक्सपैंड होती जाएगी। अगर तूने माइंड के साथ कोई छेड़खानी ना की, अगर तूने माइंड के साथ छेड़खानी की, छेड़खानी कर बैठे तो सब तरफ से डिस्टर्ब होएगा। इसको कुछ नहीं कहना, इसकी एक्टिविटी को जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष होके देखते रहना। ये देखना बहुत चमत्कारी है, ये देखना बहुत आश्चर्यों का आश्चर्य है, ये जागना, ये देखना मानो अमृत से होने की दिशा जगमगा रही है, मानो प्रभु की नजरों को भा गए हो, मानो प्रभु जाने लगा आपको, तो हम उसकी नजरों को भा जाने वाली वही अवसर दे रहा है, आतुरता प्रदान कर रहा है, प्यास दर दीवाने की उतार रहा है, वो खुद प्यासा है तुझसे मिलने के लिए। अपने अंश से मिलने के लिए अंशी सोया तड़पता है, तो उसकी और कभी उन्मुख भी नहीं होता, तो उसकी और कभी प्रवाह नहीं करता, देखने की कोशिश भी नहीं करता, झांकने की भी कोशिश नहीं करता, तो कभी उसकी झलक पाने की प्यास ही नहीं रखता। उसी ने उठाई है ये प्यास, ये प्रेम, ये नगमा मोहब्बत का।
उसने उतारा है, उसने चाहा है तुझे लाइटन करने के लिए, तुझे प्रकाशमान करने के लिए ये उसकी करुणा उतरी है। उन्मुख रहना उसके प्रति। ओंकार आमीन आमीन। छोड़ो इस मन की बातें, मन के जहां की बातें, इस जाल से, इस घेरे से निकल आइए। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी प्यास, तुम्हारा साहस और हिम्मत है। तुम जागोगे तो स्वयं जानोगे कि ये चक्रव्यूह माइंड का कितना जल्दी विसर्जित होता है। ऐसा क्यों करता है माइंड? क्योंकि वह भीतर की मास्टरशिप छोड़ना नहीं चाहता। वास्तविक रूप में वो मास्टर नहीं है, स्यूडो, नकली नकली, झूठा झूठा। क्योंकि हम सदा के लिए बाहर हो गए भीतर का, भूल गए, इग्नोर किया, मालूम नहीं था, पता नहीं था, हमने भीतर की सुध नहीं लिया। बारी बार सुध लेते रहे, उसको अवसर मिल गया ऑक्यूपाई करने का तेरे बंगले का, तेरे अस्तित्व का, चुराने का और खुद मालिक बन के बैठने का उसको मौका मिल गया। क्योंकि तू तो बाहर ही रहता है, तू तो अपने भीतर, अपने मकान, अपने बंगले में कभी गया ही नहीं। किंतु जैसे जैसे भीतर की ओर आओगे तुम्हें स्वयं याद आती जाएगी। अपने लाइट स्टेट की, अपने घर की, अपने आप राह मिलती चली जाएगी, तुझे याद आती जाएगी। जीवन तो यूं ही बीत चला, ये जन्म तो यूं ही बीत चला, आई न कभी याद उसकी,
आई ना जीवन की याद, नादा तूने खो दिया, प्रभु कृपा का परसा, प्रभु कृपा का परसा। छोड़ो जहाँ की बाती, छोड़ो इस मनवा की बाती, हृदय की बात करें, हार्दिक भाव की बात करें। इस माइंड ने आज तक किसको कहाँ पहुंचाया है, मौत के सिवा क्या दिया है इसने। करी बंदगी प्रभु की जो हृदय से ही होती है, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। छोड़ो इस मनवा की बाती, छोड़ो जहाँ की बाती, करी बंदगी प्रभु की। 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 मिलती नहीं दोबारा, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी। छोड़ो जहाँ की बाती, करी बंदगी प्रभु की। छोड़ो दाएं बाएं की बाती, छोड़ो व्यर्थ की बाती, छोड़ो इस माइंड की बाती, करी बंदगी प्रभु की। छोड़ो जहाँ की बाती, करी बंदगी प्रभु की। मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी की। छोड़ो जहाँ की बाती, करी बंदगी प्रभु की। बेला अवसर उतरा है, आई मिलन की बेला, कर ले प्रभु से मेला। आई मिलन की बेला, कर ले प्रभु से मेला। आई मिलन की बेला, आई मिलन की बेला, अपने आप से जीवन से मिलने की बेला उतरी है।
आई मिलन की बेला, कर ले प्रभु से मिला। आई मिलन की बेला, कर ले प्रभु से मिला। खिल जाएगी ये दिल किया, खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती नहीं दोबारा। खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती नहीं दोबारा, मिलन नहीं हो सकेगा। खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती नहीं दोबारा। खिल जाए अवसर उतरा तेरे द्वार, घर तूने अवेल ना किया तो ये किसी और द्वार पर चला जाएगा, तेरा हाथ से अवसर चूक जाएगा। खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती जो नहीं दोबारा। खिल जाएगी ये दिल दोबारा, खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती नहीं दोबारा। खिल जाएगी ये दिल किया, मिलती नहीं दोबारा। सुन क्या कहती है माँ भुवनेश्वरी, क्या कहती है जिन्होंने नाम कमा लिया सारे विश्व में, एक गरीबी में, मिजरेबल स्टेट में, दो समय का भोजन जिसके घर में नहीं है, उस माँ ने कितना बड़ा शिखर कमा लिया। बिना तप तपस्या किए, बिना तपश्चर्या किया, बिना गुरु के द्वार पर रहते, गुरु की एकमात्र झलक क्या पाई माँ भुवनेश्वरी। इतनी मिजरेबल स्टेट में रहती हुई भी, बाकी के बच्चों को संभालती हुई भी, मिजरेबल स्टेट में रहती हुई भी अपने बच्चे के प्रति, नरेन के प्रति कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। नरेन आया माँ की मदद करने के लिए। मैं इस गरीबी दरिद्रता के दौर में, गरीबी के दौर में माँ, मैं ये हालात नहीं देख सकता, तू अकेला कमाने जाती है, लोगों के चौके साफ करती है, लोगों की रोटियां बनाती है, लोगों के पशु चराती है, लोगों की कपड़े धोती है, और तू रोटी कमा के लाती है। घर में तीन खाने वाले और हैं, एक ब्याही हुई लड़की वापस आई है, दो छोटे भाई हैं। नरेन कहता है तुम चार और एक कमरे में रहते हो, किराए के कमरे में। हाँ माँ, मेरे से सहन नहीं होगा। माँ भुवनेश्वरी मुस्कुरा करके कहती है, दरिद्रता गरीबी भी कितनी मुस्कान देती है, घर भीतर परमात्मा छलकता, भीतर उसकी याद, उसकी स्मृति छलकती है। तो कहाँ गरीबी है, वो तो अमीरी है, अमीरी के दौर में रहते हैं, संतुष्ट तृप्त मालिक के साथ जुड़े जुड़े रहते हैं। मैं नौकरी करूंगा, जॉब करूंगा, और घर की इस मिजरेबल स्टेट को विदा करूंगा, मैं तेरी मदद के लिए आ गया। बहुत रिएक्ट करती है मां, प्रतिक्रिया में भरी, बड़ी क्रोधा अग्नि जलाती हुई मां कहती है, तू अपने बाबा के प्रति बेवफा होगा, तू अपने मालिक के प्रति बेवफा होगा, बेवफा, बेवफा की कमाई मैं नहीं खाऊंगी, बेवफा की कमाई हुई रोटी ना मैं बच्चों को देने दूंगी, ना खुद खाऊंगी। बेवफा क्या मतलब, ऐसी हालत में ज्येष्ठ पुत्र का धर्म बनता है? मैंने कभी एक्सपेक्ट किया है? मैंने कभी कहा है तुझे? क्या मैंने तुझे ऐसा चाहा है तुझसे? क्या मैंने कभी बुलाकर के तुझे समझाया, बताया है, कहा है अपनी मिजरेबल स्टेट मैंने एक्सप्रेस की है क्या? मैंने अपनी हेल्पलेस हेल्पलेस स्टेट तेरे सामने एक्सप्रेस किया है क्या? मैंने तेरी मदद मांगी है? मैंने तुझे कभी कहा है कि तू ज्येष्ठ पुत्र है, मेरी मदद करने आ? तू तो कहेगी नहीं, तू तो कभी कहेगी नहीं, मैंने देखना है। नहीं देखना तो जिस द्वार के ऊपर
अलख जगा रहा है उसी पे रहना, अपनी सिंसारिटी अपनी वफादारी का जामा पहन के रहना। मेरी और पीछे मुड़ के कर देखा तो मैं तेरी मां नहीं हूं। हम भूखे मरे हैं, हम खाके मरे, हमारी तरफ तूने नहीं देखना। तूने जिस और दिशा ली है, तूने जिस और मुख उठाया, जिस और कदम उठाया अपने प्यास दर्द दीवानगी का, अगर तूने उस दीवानगी को कम किया तो मैं कलंकित हो जाऊंगी। मैं मां मां नहीं रहूंगी। मेरा धर्म है प्रभु मार्ग पे चलने वाले, बाबा के द्वार पर रहने वाले, अपनी खोज और तलाश में डूबे हुए दीवाने प्यासों के प्रति मैं कुछ कर पाऊं उनकी सपोर्ट में, उनको मजबूत करने में, उनको शाबाश देने में, उनको थापी देने में मैं कुछ कर पाऊं। वापिस लौट जा, शीघ्र अति शीघ्र अपने बाबा के द्वार वापिस लौट जा। हम जाने हमारा काम, अगर तूने एक बार भी उधर से मुख मोड़ा तो मैं तुझे अपने पास नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे इस कमरे में प्रवेश नहीं दूंगी। हम राजी हैं, बहुत खुश हैं, हम कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तू अपनी कमाई में लग। अगर तू कमाने में पूरा पूरा सक्षम हो गया ना तो हम सबकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। तेरी रोटी तेरी कमाई तेरी जॉब से नहीं, उस जॉब से हमें जीवन मिल जाएगा। खिल जाएगी ये दिल की मिलती नहीं दोबारा, खिल जाएगी ये दिल की मिलती नहीं दोबारा, जो मिलती नहीं दोबारा, मिलती नहीं दोबारा। खिल जाएगी दिल की मिलती नहीं दोबारा, खिल जाएगी दिल की मिलती नहीं दोबारा। आओ करें बैठ बंदगी, छोड़ो जहां की बाधी, करें बंदगी प्रभु की, छोड़ो जहां की बाधी।